गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम गमन एवं संचलन लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मानव के कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ा और किस प्रकार मानव के शरीर के अंदर अंतः कंकाल होता है, जो कि बहुत सारे हड्डियों के टुकड़ों से मिलकर बना होता है और ये हड्डियां आपस में जुड़ी होती है। तो जिस प्रकार ये हड्डियां जुड़ी होती है उन ये अलग अलग तरीके से जुड़ा होता है और इसे ही संधियां या जोड़ कहा जाता है। संधियां या जोड़ हर प्रकार की गति के लिए जरूरी होता है, जिसमें शरीर की अस्थियां सहयोगी होती है और चलन गति भी इसी के कारण हो पाता है। जोड़ अस्थियों अथवा एक अस्थि और एक उपास्थि के बीच का संधि स्थल होता है। ठीक है, या तो अस्थि और अस्थि जुड़े होते हैं या फिर अस्थि और उपास्थि के बीच, अस्थि और अस्थि के बीच उपास्थि होता है, जिससे कि संधि स्थल बनता है या जोड़ बनता है। जोड़ों के द्वारा गति के लिए पेशी जनित बल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जोड़ जो है वो आलंब यानी फुल्क्रम का काम करता है। इन जोड़ों पर जो गति होती है ये विभिन्न कारकों पर निर्भरता के कारण बदलते रहती है। जोड़ को मुख्यतः तीन रचनात्मक रूपों में वर्गीकृत किया गया है। रेशी जोड़ यानी पेशी जोड़, उपास्थि युक्त जोड़ जहां उपास्थियों से जुड़ा रहता है, और सिनोवियल जोड़ स्राव वाला जोड़। रेशी जोड़ की बात अगर हम करें तो इसमें ये किसी भी प्रकार की गति इनमें नहीं होती है। इस तरह के जो जोड़ होता है वो कपाल की चपटी अस्थियों के बीच में, हमने जब करोटी के बारे में पढ़ाया था तब बताया था कि इसमें हड्डियां जो हैं वो आरी के दाते के समान होता है और आपस में टाइटली जो है वो ये फंसे हुए होते हैं, ये अपने जगह से हिलडुल नहीं पड़ते नहीं सकते, है ना। तो ये जो आरी के दांत के समान जोड़ होता है इसको कहा जाता है सीवर या शटर, और इसके रूप में ये कपाल के लिए संयोजित होता है। अगर सोचो अगर कपाल में दूसरे प्रकार का जोड़ पाया जाए, है ना, वो उपास्थि युक्त सिनोवियल जोड़ पाया जाए, तो ये अपने स्थान से हिलेगा डुलेगा तो हमारे चेहरा का फेस ही नहीं बन पाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ हमको पूरे फेस को हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं होती है। तो जिसमें क्रेनियम बॉक्स होता है उसके ऊपर का कपाल का जो जोड़ होता है वो जो है आपका इस प्रकार का जोड़ कहलाता है, रेशी जोड़। देन सेकंड होता है उपास्थि युक्त जोड़। अस्थियां आपस में उपास्थि के द्वारा जुड़ा रहता है, जैसे कि हमारा मेरुदंड, कशेरुकदंड या मेरुदंड, इसमें दो अस्थियों के बीच में उपास्थियां होती है और ये सीमित गति होने देता है, पूरा मूवमेंट नहीं होने देता। जैसे हम पीठ को थोड़ा सा ही पीछे झुका सकते हैं, पूरा पीछे हम पूरा बैंड नहीं कर पाते, है ना। तो ये हल्का सा बैंड होने देता है अस्थियों के जोड़ को। यहां पर ये दोनों दो हड्डियों के बीच में पाया जाता है उपास्थि, और इसको उपास्थि युक्त जोड़ कहते हैं। नेक्स्ट आता है सिनोवियल जोड़। इसकी विशेषता होती है कि दो अस्थियों की संधि योजन सतह के बीच में एक तरल पदार्थ भरा रहता है, और ये तरल पदार्थ जो है वो सिनोवियल कैविटी गुहा की उपस्थिति के कारण होता है। यहाँ पर दो अस्थियों के बीच में एक कैप्सूल होता है जिसको कि सिनोवियल कैप्सूल कहा जाता है। इसमें एक प्रकार का द्रव, सिनोवियल द्रव भरा होता है, और इस तरह की व्यवस्था में पर्याप्त गति संभव होता है। हम जैसे हम हाथ को गोल आगे पीछे ऐसे घुमा सकते हैं ना, तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं ये जो है वो इसको हम पूरा गोल घुमा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये दो उपास्थि का बना हुआ एक कैप्सूल होता है। कैप्सूल मीन्स बाहर कवर और अंदर खाली, अंदर खाली में क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, जिसको सिनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, है ना। तो इसके कारण ये अस्थि हम पूरा ऐसे गोल घुमा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं और इसको पूरा गोल घुमा सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर पैर का जो है, यहाँ भी इसी प्रकार का सिनोवियल जोड़ पाया जाता है। ये जोड़ चलन से ही सभी तरह की गति करने में सहायता देते हैं। कंदुक खलिका संधि यानी कि ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच, अभी जैसे हमने देखा कब्जा संधि यानी घुटना संधि इसको कहते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है ना, और धुराग्र संधि पिवेट ज्वाइंट इसको कहा जाता है, एटलस और अक्ष के बीच में, विसर्पी संधि, ग्लाइडिंग संधि, कार्पस जैसे हम उंगलियों को इस प्रकार हिला सकते हैं ऐसे, ठीक है, और सैडल जोड़ अंगूठे के कार्पस और मेटा कार्पस के बीच में, इनके कुछ उदाहरण हैं। तो इस प्रकार तीन प्रकार के संधि पाए जाते हैं।
अब हम पढ़ते हैं पेशी और कंकाल तंत्र के विकार के बारे में, क्या क्या डिसऑर्डर्स इनमें हो सकते हैं। तो पहला है माइस्थेनिया ग्रेविस, ये एक स्व प्रतिरक्षा विकार है जो कि तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है और इससे कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षघात होता है, लकवा मारना जिसको बोलते हैं वो यही है। पेशी दुष्पोषण मस्कुलर डायस्ट्रोफी, इस विकार के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमण या अपनासन होता है, मतलब हड्डियां जो है वो गलने लगती है। अपतानिका, इसमें शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशी में तीव्र ऐठन होता है, चमक और ऐठन इस रोग में होता है। संधिशोथ या अर्थराइटिस, आपने इस रोग के बारे में सुना होगा, ये जोड़ों की शोध है, हमने पढ़े ना अभी हाथ और पैर में सिनोवियल संपुट होता है जिसमें कि सिनोवियल फ्लूइड यानी द्रव पाया जाता है, ये जब ड्राई हो जाता है और बराबर घर्षण नहीं हो पाता तो घुटनों में बहुत तेज दर्द होता है जिसको कि अर्थराइटिस कहा जाता है। अस्थि सुषिरता ऑस्टियोपोरोसिस, ये उम्र संबंधित विकार है, जैसे जैसे एज होते जाता है इसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की संभावना होती है और एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका जो है वो सामान्य कारक होता है। और लास्ट वन इज द गाउट, जोड़ों में यूरिक अम्ल के कण जमा होने के कारण, ये भी ज्यादातर कुछ आजकल खान पान में विभिन्न प्रकार का जो अनबैलेंस है उसके कारण है ना, और उम्र के कारण कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज वगैरह के कारण ये सब होता है, तो यूरिक अम्ल के कण जमा हो जाते हैं जिसके कारण जोड़ों में पीड़ा होती है, शोध होता है। तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया और हम नेक्स्ट डे जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।